नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। महाराष्ट्र एमएसएमईज डिफेंस एक्सपो के दौरान लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय सेना के लिए अपने लाइट टैंक प्रोजेक्ट पर महत्वपूर्ण घोषणा की है। एलएनटी के सीएमडी ने कहा कि हमने इस अवधारणा को साकार कर लिया है और वर्तमान में इसका परीक्षण चल रहा है, यानी कि जोरावर लाइट टैंक दोस्तों तैयार हो चुका है जिसका परीक्षण चल रहा है। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ के सहयोग के साथ ये जो हल्का टैंक है वो भारत के डिफेंस इनोवेशन में एक बड़ा मील का पत्थर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसे अलग से भी तैयार कर सकते थे लेकिन इसमें काफी समय लग जाता, इसीलिए एक साथ आने से ये रिकॉर्ड 19 महीनों में तैयार हो गया और ये अपने निर्माण और परीक्षण तक दुनिया का पहला बैटल टैंक बन चुका है। इस परियोजना में और तेजी लाने की उम्मीद है और इन गर्मियों तक टैंक के हायर लेवल्स यानी कि उच्च स्तर की भागीदारी और सेना की तरफ से इनका परीक्षण किया जाएगा। यानी सीएमडी ने कहा कि हम वर्तमान में नए परीक्षणों के माध्यम से टैंक को और मैच्योर कर रहे हैं ताकि इन टैंकों की विश्वसनीयता बनी रहे। हैदराबाद स्थित जेन टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया। जेन एंटी ड्रोन सिस्टम ऑब्लिक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम के रूप में जाने जाने वाला ये सिस्टम मानव रहित हवाई वाहनों या ड्रोन द्वारा जो भी खतरे हैं उनका मुकाबला कर सकता है। जेन एंटी ड्रोन सिस्टम प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में ऑपरेट होने वाले किसी भी अनऑथराइज्ड ड्रोन का पता लगा सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। साथ ही ये जो ड्रोन है, जैसे कि मैंने बताया कि ये हार्ड किल ऑप्शन के साथ आता है और ये वास्तविक समय में संभावित खतरों को कम करने के लिए एक जबरदस्त सॉल्यूशन प्रदान करता है। ये सिस्टम दो प्राइमरी हार्ड किल ऑप्शंस प्रदान करता है जिसमें कि एक है स्टैंडर्ड एयर डिफेंस गन इंटरफेस और नेट बेस्ड ड्रोन कैचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गन इंटरफेस और नेट आधारित ड्रोन कैप्चर इसमें ऑप्शंस है, जिसमें कि जो नेट आधारित ड्रोन कैप्चर है वो दुश्मनों के ड्रोन को बेअसर करने का एक नॉन लीथल सॉल्यूशन प्रदान करता है। इससे अनऑथराइज्ड ड्रोन को पकड़ने और उसे एक निश्चित जगह पर उतारने के लिए एक डेडिकेटेड ड्रोन के जरिए हैंगिंग नेट लॉन्च किया जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जर्मनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन को भारत की तरफ से फिर से आर्टिलरी शेल की रीसप्लाई की जाए, लेकिन ये बात किस आधार पर वो कह रहा है इस बारे में आप सब जानते ही हैं कि बीच में भारत निर्मित जो आर्टिलरी शेल्स थे वो यूक्रेन में पाए गए। हालांकि भारत ने कभी भी यूक्रेन को डायरेक्टली कोई भी गोला बारूद सप्लाई नहीं किया है। बात साफ हो जाती है कि यूक्रेन जो कि गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है उसकी सहायता के लिए जर्मनी भारत पर इस तरीके का प्रेशर डाल रहा है। भारत साफ तौर पर मना कर चुका है कि हमने आज तक कभी यूक्रेन को कोई हथियार सप्लाई नहीं किया है और हमारा जो रुख है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वो बिल्कुल तटस्थ है। हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, हम बकायदा इस युद्ध को शांत कराना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बात बहुत बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रूप से भी महत्व रखती है कि भारत निर्मित गोला बारूद की डिमांड किस तरीके से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जर्मनी ये चाहता है कि इस तरीके से अगर भारत हथियार सप्लाई करता है यूक्रेन को तो रशिया और भारत की दोस्ती में दरार पड़ेगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और जो भारत निर्मित जो शेल्स थे दोस्तों वो यूक्रेन में पाए गए, वो किसी बिचौलिए के जरिए वहां पहुंचे हैं, क्योंकि भारत इस बारे में कभी भी कोई बात नहीं बताता कि हमारे पास कितनी मात्रा में गोला बारूद है और कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि वैश्विक स्तर पर हथियार और गोला बारूदों की कमी यूक्रेन में युद्ध की वजह से हो गई है। कई देशों ने यूक्रेन को जबरदस्त तरीके से सैन्य सहायता प्रदान करी, उनके खुद के अपने भंडार खत्म हो गए हैं। जर्मनी भी उन्हीं देशों में से एक है और जर्मनी खुद अपने स्टॉक को भरने के लिए अलग अलग ऑप्शंस को तलाश रहा है, जिसमें कि वो अन्य देशों से हथियार खरीद रहा है, क्योंकि उसने अपना सारा गोला बारूद एम्युनिशन जो भी था वो यूक्रेन युद्ध में लगा दिया। इसलिए जर्मनी को हथियार खरीदने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार जी ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना का अब प्राइमरी हथियार होगा, जो कि अन्य देशों से हासिल की गई पुरानी मिसाइल प्रणाली की जगह लेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल उनका प्राथमिक यानी कि प्राइमरी हथियार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए ये हमारा प्राइमरी वेपन होगा, यही कारण है कि हम सभी पुरानी मिसाइलों को इसके साथ बदल रहे हैं और हम ब्रह्मोस को स्थापित कर रहे हैं। साथ ही एडमिरल आर हरिकुमार जी ने कहा कि ब्रह्मोस भारत में बना है और इस मिसाइल का भारत को बड़ा फायदा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है और ये रेंज क्षमता आदि में भी काफी जबरदस्त है और इसलिए हम किसी पर इस मिसाइल के लिए निर्भर नहीं है। इसकी मरम्मत हम खुद कर सकते हैं, इसके स्पेयर्स हमारे देश में उपलब्ध हैं, यानी कि फायदा ही फायदा। और हाल ही में CCS के द्वारा 200 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों के सौदे को मंजूरी दी गई, जिसके तुरंत बाद भारतीय नौसेना प्रमुख की ये टिप्पणी आई है।
और 5 मार्च को 19,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए जाने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के समर एयर डिफेंस के लिए कई देशों ने अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है जो कि रशियन फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। अब भारतीय वायुसेना इन देशों के साथ सहयोग करना चाहती है ताकि ये देश अपना खुद का समर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर सके। और दोस्तों ये जो सहयोग है यानी कि कोलैबोरेशन है वो फ्रेंडली कंट्रीज के साथ किया जाएगा जो कि उनकी पुरानी होती मिसाइल्स स्टॉक्स को एयर डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करने का बड़ा फायदा देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लॉकहीड मार्टिन के हेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन एक भारतीय पार्टनर को तलाश रहा है जो कि C-130J के लिए है जिसका ऑफर भारतीय वायुसेना के 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में उन्होंने किया है। लॉकहीड मार्टिन अब एक लोकल पार्टनर का सिलेक्शन करेगा अगले 2 महीनों में ताकि फाइनल असेंबली लाइन भारत में तैयार हो सके। और ये जो कोलैबोरेशन है वो दुनिया में दूसरा C-130J मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी जो कि भारत और अन्य देशों को भी फायदा देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डेसॉल्ट एविएशन की योजना है कि वो नागपुर के प्लांट का इस्तेमाल करे राफेल फाइटर जेट्स की असेंबली के लिए। वहीं फ्रेंच एयरफोर्स ने आज घोषणा की है कि राफेल F4.1 फाइटर जेट को फुल ऑपरेशनल क्षमता प्राप्त हो चुकी है। राफेल F4.1 ने कई ट्रेनिंग ऑपरेशंस किए हैं कई महीनों तक और अब ये ऑपरेशनल मिशन के लिए तैयार हो चुका है। बता दें कि इसी वेरिएंट का यानी कि F4.1 का ऑफर 114 MRFA प्रोग्राम में भी डेसॉल्ट के द्वारा किया गया है। वहीं फ्रांस के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि राफेल F5 वेरिएंट 2027 तक लॉन्च होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंप्रूव्ड स्टेल्थ क्षमता, नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स और एक नए इंजन जो कि सुपीरियर स्पीड और फ्यूल एफिशिएंट होगा उससे लैस होगा। और ये नहीं, F4 वेरिएंट को F5 वेरिएंट में भी बदला जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो रशिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा और यदि पश्चिम इस पर आगे बढ़ता है तो इससे परमाणु युद्ध होना तय है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि क्या आप यूक्रेन की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हैदराबाद स्थित रघु वामसी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने फुल स्वदेशी माइक्रो टर्बोजेट इंजन इंद्रा RV-25-240N के लॉन्च की घोषणा की है। बता दें कि ये सफलता UAV, मिसाइल प्रोपल्शन, ऑक्सिलरी पावर यूनिट आदि में उपयोग के लिए 100 किलोग्राम तक के माइक्रो टर्बोजेट इंजन का रास्ता साफ करेगी। कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया ई कार अब तैयार है भारतीय सेना के द्वारा ऑर्डर देने के लिए। बता दें कि ये जो UGV है यानी कि अनमैन ग्राउंड व्हीकल, ये 500 किलोग्राम का वजन कैरी कर सकता है। इस टेक के दौरान मैंने कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम के द्वारा तैयार किए गए ई कार के बारे में आपके लिए वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं इसकी क्या प्रतिभा है और ये कितना सक्षम है। ये UGV एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक अनमैन ग्राउंड व्हीकल है और इसका यूज़ है बॉर्डर सर्विलेंस, रेकी, लॉजिस्टिक पेलोड कैरी करना और कैजुअल्टी वेरिफिकेशन के लिए भी ये यूटिलाइज होता है बॉर्डर एरिया में। और इसमें एक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम भी बिठा सकते हैं ताकि फॉर। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडोरेंस अराउंड 5 to 6 hours बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है ये। और इसी के 10 किलोमीटर से हम यहाँ से इसको चला के लाइन ऑफ साइट में वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं व्हीकल को और लॉजिस्टिक भी लेके जा सकते हैं, सर्विलेंस भी कर सकते हैं बॉर्डर में। अभी फिलहाल जहाँ पे मैनुअल होता है सारा, मतलब आर्मी अपनी सेना के जवान जाके बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हैं और वहाँ पे पेलोड भी है इतना, वेपन्स कैरी करते हैं, लॉजिस्टिक कैरी करते हैं, तो ये व्हीकल की मदद से जो आर्मी के जवान हैं उनकी सहूलियत हो जाएगी और ये वहाँ पे सर्विलेंस कर सकते हैं और 10 किलोमीटर अवे से हम इसको कर सकते हैं। मतलब अगर वहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे उसकी पूरी जानकारी हमको, हम देख सकते हैं कैमरे की मदद से कहाँ पे, और उसी के थ्रू हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि वहाँ पे कैसे अटैक किया जाए और कैसी स्ट्रेटेजी बनाया जाए। तो 10 किलोमीटर पहले ही हम इसको कर सकते हैं। क्या ये सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है? जी बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस है। इसको वे पॉइंट पे भी, तुम गूगल मैप पे वे पॉइंट से वो एरिया का हम रेकी कर सकते हैं, वे पॉइंट नेविगेशन डाल के वहाँ से हम लोकेशन पे डायरेक्ट व्हीकल भेज सकते हैं ताकि व्हीकल जाएगी वे पॉइंट से लोकेट, जहाँ जहाँ वे पॉइंट है उस पर पूरा रेकी करेगी और वापस रिटर्न टू बेस स्टेशन को आ सकती है। मतलब ये एक बार डिप्लॉय होने के बाद वापस अपने होम बेस पे आ सकता है? या वापस से बेस पे आ सकता है। इसके डिफरेंट एप्लीकेशन है, ये टेली ऑपरेटेड है, जॉयस्टिक ऑपरेटेड है और ऑटोनॉमी भी है, जैसे आपने इंटेलिजेंस भी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें यूटिलाइज किया हुआ है। इसमें 360 डिग्री सर्विलेंस कैमरे लगे हुए, PTZ कैमरा और ड्राइव कैमरा भी है। इसको कोलिजन अवॉइडेंस भी करती है, मतलब आगे अगर कोई अवॉइडेंस आता है तो उसको अवॉइड करके रीरूट करके ये उस वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसी टाइप की है
मल्टी मतलब टेरेन व्हीकल है, डिफरेंट टेरेन। पहाड़ी इलाके में इसका ट्रायल हुआ सर? जी पहाड़ी इलाके में, अभी उत्तराखंड में अलीपुले गुंजी वहाँ पे इसका ट्रायल हुआ है, स्नो में हुआ है, -20 डिग्री -20 डिग्री पे भी इसका ट्रायल हुआ है, 15,000 फीट पे हाई अल्टीट्यूड पे इसका ट्रायल हुआ है। रिसेंटली इसका डेजर्ट में भी ट्रायल हुआ है, बारमेर में हुआ है, अपना जैसलमेर के वहाँ पे हुआ है। डीआरडीओ ने इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 23 लाइसेंसिंग समझौते सौंपे हैं महाराष्ट्र एमएसएमईज डिफेंस एक्सपो 2024 में, और इस डोमेन में इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, लड़ाकू वाहन, नौसेना प्रणाली, एरोनॉटिक्स आदि शामिल है। दोस्तों इस तरीके से जो डीआरडीओ के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी गई है इन इंडस्ट्रीज को, इससे देश में यानी कि भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र और डिफेंस में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। 5 साल पहले दोस्तों ऑपरेशन बंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें कि नंबर 9 स्क्वाड्रन से 12 मिराज 2000 विमानों ने LOC पार करके 5 स्पाइस 2000 PGMs को गिराया था, और स्पाइस 2000 हिट की पुष्टि सुखोई 30 MKI ऑन बोर्ड ELM 2060P पॉड से ली गई SAR इमेजरी और हाई रेजोल्यूशन मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हालांकि खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर एक भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 पायलट कमांडर के रूप में गगनयान का नेतृत्व करेंगे। हालांकि इस बारे में अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिक शैलेश गवालकर ने कहा कि ऐसी कई तकनीकी पैरामीटर हैं जिन पर गन सिस्टम की तुलना की जाती है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम रेंज के मामले में फ्रांसीसी, इजरायली और अन्य समान हाउजर से काफी बेहतर है। इसका रेट ऑफ फायर और वेट टू पावर रेशियो काफी जबरदस्त है। माउंटेड गन सिस्टम 45 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अपने लक्ष्य को मार सकती है और प्रति मिनट 5 से 6 गोले दाग सकती है। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा कि हम अपनी रक्षा को आउटसोर्स नहीं कर सकते, हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया के टॉप 25 हथियार निर्यातकों में से एक है। फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हो। वीडियो को हिट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। जय हिंद, वंदे मातरम।